हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव एंड पावर सिस्टम एनालिसिस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने वाई प्लस मैट्रिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बसेस को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम में ऐसे सारे नोड्स जिन पे एक या एक से ज़्यादा लाइन और एक या एक से ज़्यादा लोड्स या एक से ज़्यादा जनरेटर्स, ऐसे पॉइंट्स या नोड्स जहाँ पे मोर देन वन लाइंस, जनरेटर्स या लोड कनेक्ट हों, उन सभी पॉइंट्स को हम बसेस कहते हैं। और इन बसेस पे मेनली चार क्वांटिटीज स्पेसिफाई होती हैं, जिनमें पहली क्वांटिटी है एक्टिव पावर, दूसरी क्वांटिटी है रिएक्टिव पावर, तीसरी क्वांटिटी है वोल्टेज मैग्नीट्यूड और चौथी क्वांटिटी है फेज एंगल। और इन्हीं क्वांटिटीज के बेस पे हम अपनी बसेस को तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें नंबर वन है जनरेटर बस, नंबर टू है लोड बस, नंबर थ्री है स्लैक बस। यहाँ हम सबसे पहले लोड बस को कंसीडर करते हैं। लोड बस इज़ आल्सो नोन एज पीक्यू बस एंड इन पावर सिस्टम 85% ऑफ द बसेस आर ऑफ लोड बस। दैट मीन्स पावर सिस्टम में मोस्टली 85% बसेस का नेचर जो होता है वो एज अ लोड बस होता है। और लोड बस पे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर स्पेसिफाई होती है एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल आर नॉट स्पेसिफाइड। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट बस इज जनरेटर बस। जनरेटर बस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज कंट्रोल बस आर पी वी बस। पावर सिस्टम में 10 to 15% ऑफ बसेस जनरेटर बस कहलाती हैं। और जनरेटर बस की पर रिएक्टिव पावर और फेज एंगल स्पेसिफाई नहीं होता। इस बस पे एक्टिव पावर और वोल्टेज मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई रहता है। जनरेटर बस को हम वोल्टेज कंट्रोल बस भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम वोल्टेज कंट्रोल बस तभी होता है तक होता है जब तक इस पे रिएक्टिव पावर अपनी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को वायलेट ना करे। दैट मीन्स अगर रिएक्टिव पावर की एक मिनिमम लिमिट है क्यू एम और मैक्सिमम लिमिट है क्यू एम ए, तो रिएक्टिव पावर इन्हीं दो लिमिट के बीच में अगर लाई कर रही है तो हम जनरेटर बस को वोल्टेज कंट्रोल बस कहेंगे। लेकिन अगर रिएक्टिव पावर इनमें किसी भी एक लिमिट को वायलेट कर देती है तो हम रिएक्टिव पावर को उस लिमिट के इक्वल स्पेसिफाई कर देंगे। दैट मीन्स अब इस बस पर रिएक्टिव पावर भी स्पेसिफाई है। इस पर पहले से ही एक्टिव पावर स्पेसिफाई हो था। दैट मीन्स अब इस बस पे एक्टिव पावर भी स्पेसिफाई है, रिएक्टिव पावर भी स्पेसिफाई है। दैट मीन्स इस बस का नेचर अब लोड बस की तरह हो जाएगा। और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं बस टाइप स्विचिंग। ओके, इस फिनोमिना को हम एक आगे एक न्यूमेरिकल में भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट बस पे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट बस है हमारी स्लैग बस। स्लैग बस का एक और नाम होता है स्विंग बस। एक्चुअली स्लैग बस एक स्पेशल टाइप की बस होती है जो सिस्टम के लॉसेस को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। और इस स्लैग बस को हम एग्जिस्टिंग वोल्टेज कंट्रोल बस से ही या जनरेटर बस से ही चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्लैग बस पे वोल्टेज और फेज एंगल स्पेसिफाइड होता है। पावर
पावर सिस्टम में यही एक सिंगल बस होती है जिस पे वोल्टेज का फेज एंगल भी स्पेसिफाई रहता है। तो दिस बस इज़ मेनली यूज फॉर कॉन्टीन्यूसली सप्लाई द लॉसेज ऑफ द सिस्टम। अब हम देखते हैं कि हम एग्जिस्टिंग जनरेटर बस या वोल्टेज कंट्रोल बस से स्लैक्स बस को चूज़ कैसे करते हैं। तो इसको चूज़ करने के लिए हम अपनी सभी बसेस पर पावर रेजिड्यू कंप्यूट कर लेते हैं। एंड किसी भी बस पे पावर रेजिड्यू इज इक्वल टू होता है उस बस पे जनरेटेड पावर माइनस उस बस से डिमांडेड पावर। और जिस भी बस पे पावर रेजिड्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उस बस को उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए हम स्लैक बस कंसीडर कर लेते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक 10 बस इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और हमने अपनी लोड फ्लो प्रॉब्लम में पहला इटरेशन हम करते हैं और फर्स्ट स्टेशन में बस नंबर 2 पे पावर रेजिड्यू की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। तो उस पर्टिकुलर इटरेशन नंबर 1 के लिए हम बस नंबर 2 को एज अ स्लैक बस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड इटरेशन परफॉर्म करेंगे। अब सेकंड इटरेशन में स्लैक बस को कंसीडर करने के लिए हम फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। हम सभी बसों पे पावर रेजिड्यू को कंप्यूट करेंगे और पावर रेजिड्यू कंप्यूट करने के बाद जिस बस का पावर रेजिड्यू सबसे ज़्यादा होगा तो सेकंड इटरेशन के लिए उस बस को हम एज अ स्लैक बस कंसीडर करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट कि सेकंड टाइम में बस नंबर 4 का पावर रेजिड्यू सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स सेकंड इटरेशन के लिए बस नंबर 4 को हम एज अ स्लैक बस कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट इटरेशन से सेकंड इटरेशन में आने पर हमारी बस का जो स्लैक नेचर था इट इज स्विंग फ्रॉम बस नंबर 2 टू बस नंबर 4। द स्लैक नेचर ऑफ बस इज स्विंग फ्रॉम बस नंबर 2 टू बस नंबर 4। दैट्स व्हाई स्लैक बस इज आल्सो नोन एज स्विंग बस। दैट्स व्हाई स्लैक बस इज आल्सो नोन एज स्विंग बस। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई स्लैक बस इज आल्सो नोन एज स्विंग बस और 2 मार्क्स में एक ट्यू में क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से ये बसेस का क्लासिफिकेशन था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और एक ट्यू में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली इसकी तैयारी कर लीजिए। तो ये लेक्चर अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।